हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए 2012 में पेपर हुआ था, उस पेपर को हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। पूरे 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और 2012 में भी जो ड्राइवर कप सेक्शन था दोस्तों, काफी अच्छा सेक्शन बना रखा है। इंजन के, पिस्टन के, पिस्टन रिंग के, इस प्रकार के काफी अच्छे अच्छे सवाल उसमें पूछे गए हैं। लेकिन ड्राइवर के लिए जो जीके था, मैथ था, रीजनिंग था, उसका लेवल नॉर्मल था। तो दोस्तों, पूरे 2012 वाले पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक आप जरूर देखना। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ में दोस्तों, ड्राइवर का स्पेशल बैच चला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बैच की जो कीमत है केवल 499 रुपए आपके लिए रखी गई है। इस बैच को लेने के लिए दोस्तों, लास्ट एग्जाम का आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको बैच के साथ में 50 नंबर का जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। साथ में पांच टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट दी जा रही है। साथ में दोस्तों, 2000 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और साथ में दोस्तों, पीडीएफ जो नोट्स हैं वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ड्राइवर के बैच में मिल रही है। उसके बाद ड्राइवर के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जो पूरे 100 नंबर की होगी, पूरे 1.5 घंटे के लिए टेस्ट सीरीज होगी। जैसा पेपर आपको वहां देखने को एग्जाम सेंटर में मिलेगा, उसी प्रकार का पेपर हमने पूरे एसएससी पैटर्न पे बनाया है। इस संडे को भी टेस्ट होने वाला है, पिछले संडे को भी हुआ था। तो लास्ट एग्जाम का जो एप्लीकेशन है उसमें जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट को भी दे सकते हैं। उसके बाद में जीके के लिए स्पेशल नोट, साइंस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों, 10 महीने की आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट मिलती है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इनकी जो कीमत है केवल 220 रुपए है। तो इनको लेने के लिए आप इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे या फिर दोस्तों पेटीएम कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, 9461216484। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में काफी सारी इंफॉर्मेशन और ऑफलाइन पेपर भी हम ड्राइवर के प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी बच्चे ड्राइवर की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे आपको सारे जो पेपर है, जो 2012 में पेपर आया था, रियल पेपर, वो आपको करवाते हैं पूरे 100 क्वेश्चन के साथ में। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरे नॉलेज, पूरा ड्राइवर का नॉलेज आपको हो जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइम आपको लगता है और आप कितना उसमें स्कोर कर सकते हैं। ये जो पेपर है ये काफी सरल पेपर है, लेकिन फिर भी आप अगर ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, एक बार इस पेपर को कंप्लीट आपको देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके रियल पेपर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पेपर है नवंबर 2012 में करवाया गया था, उस बच्चे के रोल नंबर वगैरह ये है, और जो सीरीज है वो ए सीरीज में उसका पेपर हुआ था। ये जो कैंडिडेट है ये 2012 में दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, और हमने काफी कोशिशों के बाद में ये पेपर उनसे लिया है, क्योंकि उनके पास भी जो पेपर था वो गुम हो चुका था और उन्होंने अपने दोस्त वगैरह से हमें ये प्रोवाइड करवाया है। तो कंप्लीट ये जो पेपर है ये आपको इस वीडियो में करवाएंगे, और पूरे 100 क्वेश्चन है वो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इधर की साइड में हिंदी में दिए गए हैं और इधर आप लोगों को इंग्लिश में ये पेपर दिया गया है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों, लास्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर पर जाके आप सर्च कर सकते हैं लास्ट एग्जाम, तो भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, और उसमें आपको ये जो पेपर है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेपर का एक पीडीएफ हमने और बनवाया है जो कंप्यूटर राइटिंग में है, यानी कि टाइपिंग की राइटिंग में है। तो इस पेपर को आप एक बार कंप्लीट देख लीजिए, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, और ये बिल्कुल रियल पेपर है, जिसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन और ड्राइवर वाले सेक्शन के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो जो साइन दिए गए हैं और किस प्रकार से इसमें ड्राइवर के क्वेश्चन हैं, उन सभी की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कंप्लीट इस वीडियो को देखना, पूरा ड्राइवर का जो पेपर है वो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चलते हैं, ये पूरा पेपर देख सकते हैं, आपको ये जो पेपर है इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, पूरे 100 क्वेश्चन इसमें है। 2009 वाला जो पेपर है वो हमने ऑलरेडी आप लोगों तक पहुंचा दिया है, तो उसका पीडीएफ भी आपको लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे इन दोनों पीडीएफ की आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, पेपर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों इसका मैंने एक रियल पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार करवाया है, उस पर ले चलते हैं, और ये आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें टाइप करवा दिए हैं। दोस्तों 2012 का एक पेपर है, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएगा, 9461216484। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपना नाम लिख के और ड्राइवर लिख के, आप लोगों को ये जो पेपर है वो मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उस बच्चे का रोल नंबर है और सीरीज है, और 1 घंटा 30 मिनट आपको दिए गए हैं जो अब आपको मिलने वाले हैं, और नवंबर 2012 में ये पेपर हुआ था।
और दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए 2012 का पेपर है। इस पेपर की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई गई थी, क्योंकि जो पेपर है वो काफ़ी नॉर्मल लेवल का पेपर था। जनरल कैटेगरी के लिए 78, ओबीसी के लिए 74, एसटी के लिए 71, एससी कैटेगरी के लिए 45, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो ड्राइवर की अब आने वाली जो 2022 में वैकेंसी है उसके लिए जो कट ऑफ है आप ये कट ऑफ ही रियल मान सकते हैं। इसमें एससी की जो कट ऑफ है आप 60 से और 62 नंबर तक ले जा सकते हैं, और एसटी की जो कट ऑफ है वो दोस्तों 70 से और 74 नंबर तक आप ले जा सकते हैं। बाकी ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो 74 से 75 के आसपास रहेगी, और जनरल की कट ऑफ आपको 77 या 78 के आसपास ही देखने को मिलेगी। तो ये आपकी 2022 के लिए कट ऑफ है और इसी अनुसार आप जो तैयारी है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं आपके रियल पेपर की और पूरे 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंदन में हुए ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीते थे। दोस्तों आप सभी को पता है ये जो पेपर है 2012 का है, तो काफी सारे क्वेश्चन 2012 से ही रिलेटेड होंगे, उस समय की इसमें करंट पूछी गई थी। तो दोस्तों 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक अपने जीते थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, जुलाई 2012 में श्री प्रणब कुमार मुखर्जी भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों आप सभी को पता है प्रणब कुमार मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे, और ये कब बने थे ये दोस्तों आपको 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी हैं वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्रिकेटर युवराज सिंह को फिलहाल कौन सा पुरस्कार मिला था, ये कब की बात हो रही है, 2012 की बात हो रही है। तो दोस्तों आप सभी को पता है 2012 में विश्व कप हुए थे, और उस समय दोस्तों युवराज सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और जो आपके राहुल द्रविड़ हैं, द्रविड़ जी हैं उनको दोस्तों, राहुल द्रविड़ जी हैं उनको दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इस आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे 2012 के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे जो विनोद राय जी हैं वो आपके 2012 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, और दोस्तों अभी जो आपके वर्तमान समय में 14 नंबर के जो आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं कैक साहब हैं वो आपके कौन हैं, वो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इसको याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है, वो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। दोबारा लिख देता हूँ मैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करी जाए अगले क्वेश्चन के बारे में, तो पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, और बिहू त्यौहार सभी को पता है असम में मनाया जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सरल क्वेश्चन 2012 में पूछे गए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है 2012 के अनुसार, तो दोस्तों आपको यहाँ बताना है मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो जस्टिस अल्तमस कबीर आपके 2012 में मुख्य न्यायाधीश थे। उसके आगे की बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, देश के वर्तमान कानून मंत्री कौन है 2012 के अनुसार। केवल छोटे छोटे जो अपने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो मंत्रिपरिषद है उनके सदस्यों के बारे में काफी क्वेश्चन 2012 में आए हुए हैं। तो दोस्तों देश के वर्तमान कानून मंत्री कौन है आपको ये बताना है। तो वीरप्पा मोइली ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। उसके आगे की बात करते हैं, उसके अगर आगे की बात करें दोस्तों, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, बहुत सरल क्वेश्चन है, 2012 में इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है औरंगाबाद कहाँ है, ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, और अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट बताना था, औरंगाबाद आपका राइट है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके आगे की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर 8-9 क्वेश्चन पे चले तो केरल देश के कौन से तट पर स्थित है। तो आप सभी को जो इंडिया का मैप है इस तरीके से, और केरल हमारे यहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये आपका जो तट है ये पश्चिमी तट है, और ये जो आपका तट है ये आपका पूर्वी तट है। तो अभी आपको पता लग गया होगा केरल कौन से तट पे है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों केरल आपके पश्चिमी तट पर स्थित है, और इसी प्रकार के जीके को आपको एक भी क्वेश्चन 2022 में कंप्लीट करके आना है दोस्तों, छोड़ना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अगर आगे क्वेश्चन की बात करें, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर से किसको जोड़ती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो पनामा नहर है, पनामा आपकी जो नहर है वो आपके एक तरफ अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और दूसरी तरफ दोस्तों प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, दोस्तों इसी प्रकार के बिल्कुल सरल पेपर आपका आया था, लेकिन उस समय इसी वजह से जो कट ऑफ है वो हाई चली गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं फैलाता है। दोस्तों इसमें चार चीजें दी गई हैं, वाप इंजन है, फोर स्ट्रोक इंजन है, टू स्ट्रोक इंजन है, और आपका सौर ऊर्जा है।
अब आपको पता होगा दोस्तों, आपको पता है क्या सौर ऊर्जा जो हमें सूर्य से मिलती है उससे क्या प्रदूषण होता है? नहीं होता। और इसमें क्या पूछा जाता है कि प्रदूषण नहीं फैलाता है, उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और आपको पता है ये तीनों इंजन के प्रकार है। तो दोस्तों इसमें इंजन से आपका धुआं निकलता है और वो आपके वायुमंडल को प्रदूषित करता है। अगर उसके बाद बात करें 12वें क्वेश्चन के बारे में, अभी आपका जो ड्राइवर का सेक्शन है वो लास्ट में आएगा। प्रसिद्ध जो कामाख्या मंदिर है वो आपके किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है असम राज्य में जो कामाख्या मंदिर है वो आपका प्रसिद्ध है। उसके बाद 13वें क्वेश्चन की बात करें, इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। जो रविशंकर जी है वो सितार वादक है और जो शिव कुमार शर्मा है वो क्या जो वादक है वो आपको बताना है। तो दोस्तों शिव कुमार शर्मा ये आपके केरल के जो शास्त्रीय नृत्य है, जो शास्त्रीय वादक है उनमें ये फेमस है। और दोस्तों ये संतूर वादक आपके हैं, जो शिव कुमार जी हैं वो संतूर वादक हैं। ये आपसे स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें 13वें नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था 2012 के अंदर? तो दोस्तों यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, अमर्त्य सेन, सीवी रमन। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका सत्यजीत रे हो जाएगा, क्योंकि ये एक फिल्म निर्देशक हैं। जो आपके सत्यजीत रे हैं वो आपके फिल्म निर्देशक हैं। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार है वो नहीं मिला हुआ है, 2012 की बात नहीं है। यहाँ पे ये पूछा गया कि निम्न में से किसको नहीं मिला हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये आपको बताना है, जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है वो दोस्तों किन किन दो राजाओं के महाराजाओं के मध्य लड़ा गया था? दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये आपके हिस्ट्री में आपको पता है 18 जून 1576 को ये जो युद्ध है वो लड़ा गया था हल्दी घाटी के मैदान में। और दोस्तों ये किन किन के मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका अकबर था और जो महाराणा प्रताप था उन दोनों के मध्य ये जो युद्ध है वो लड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया है? अकबर और राणा प्रताप, यानी कि महाराणा प्रताप के बीच में। उसके बाद में दोस्तों अगर ईयर भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 1576 में ये जो युद्ध है वो लड़ा गया था। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपको बताना है राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है लोकसभा के लिए जो आयु है वो आपकी कितनी है। ठीक है, तो इनमें से उच्च सदन कौन सा है, निम्न सदन कौन सा है, स्थायी कौन सा है, अस्थायी कौन सा है, सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 30 वर्ष रहने वाली है, और जो लोकसभा है इसके लिए 25 वर्ष आपकी आयु रहती है। दोस्तों ये जो सदन है ये आपका अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन मतलब इस लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है। राज्यसभा है वो आपका स्थायी सदन है, जो आपका उच्च सदन है वो आपका राज्यसभा है, सॉरी उच्च सदन आपका राज्यसभा है, उच्च सदन। जो आपका निम्न सदन है, निम्न सदन वो आपका लोकसभा है, निम्न सदन लोकसभा है। और दोस्तों यहाँ पे अगर पूछा जाए कि आपका प्रथम सदन कौन सा है तो वो आपका लोकसभा है, और द्वितीय सदन अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका राज्यसभा है। तो ये इतनी सारी जानकारी आपको मिलती है। राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 30 वर्ष रखी गई है। और दोस्तों आप सभी को पता है राज्यसभा के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लोकसभा के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल है वो रहता है। उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो दुर्गापुर है वो किसके लिए फेमस है? दोस्तों आप सभी को पता है इस्पात उद्योग के लिए जो अपना दुर्गापुर है वो सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के लिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बात करें तो दोस्तों हमारा जो ड्राइवर का बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी हम उसमें करवा रहे हैं। और इसके लिए आप 9461216484 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे हम शॉर्ट में BARC कहते हैं, BARC दोस्तों ये आपका कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर आपका ट्रांबे, जो मुंबई में है यानी कि आपका महाराष्ट्र के अंदर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका मतलब हेडक्वार्टर आपका महाराष्ट्र में है जो कि ट्रांबे में है, और ट्रांबे कहाँ पड़ता है आपका मुंबई के अंदर। ठीक है, तो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्रांबे मुंबई के अंदर है। उससे अगले क्वेश्चन की बात करें 19वें नंबर के क्वेश्चन की, अभी फिलहाल में आया जो चक्रवात है जिसे अमेरिका में पूर्वी तट को काफी नुकसान उसने पहुंचाया है, तो उसका नाम आपको बताना है जो 2012 में आया था, क्योंकि ये पेपर आपका 2012 में करवाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे सैंडी जो आपका चक्रवात है वो अमेरिका में आता है, और कब आया था ये पूर्वी तट पे आया था 2012 के अंदर, जिसमें अमेरिका का काफी नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे सैंडी जो चक्रवात है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं है तो इसको बताने से भी क्या फायदा।
अगले जो आम चुनाव है वो कब होंगे 2012 के अनुसार। तो दोस्तों आप सभी को पता है 2012 के अनुसार 2014 में जहां पे मोदी की सरकार आई, ठीक है, मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद 2019 में चुनाव हुए थे उसमें भी मोदी जी की सरकार आई, और दोस्तों अब 2023-24 में आपके चुनाव होने वाले हैं, तो दोस्तों इसमें भी आएगा तो कौन, मोदी ही, आप सभी को पता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2012 के अनुसार आपका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के ही सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष मतलब 2012 में जून के फैसले के बाद उसे अपने पद से हटा दिया गया या हटना पड़ गया। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर है वो आपका क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे यूसुफ रजा गलानी जो 2012 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उन्हें ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया था। तो यहाँ पे यूसुफ रजा गलानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें आपको एक छिपी हुई जो संख्या है वो आपको ढूंढ के बतानी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1+1, 2, 3, 5 ये संख्या आपको बतानी है और आगे 13 है। दोस्तों अगर इन दोनों का योग कर दिया जाए तो ये वाली संख्या आ रही है, अगर इन दोनों का योग कर दिया जाए तो ये वाली संख्या आ रही है, इन दोनों का योग कर दिया जाए तो ये वाली संख्या आ रही है, अगर इन दोनों का योग कर दिया जाए तो दोस्तों आगे आने वाला जो आपसे पूछा गया है वो संख्या आनी चाहिए, 8 नंबर आ जाएगा, और अगर 5+8 का योग कर दिया जाए तो 13 आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इनको करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि 2012 में किस प्रकार का पेपर आया था और अब आगे आपका किस प्रकार का पेपर है वो आ सकता है। इसमें पूछा गया है कि 3/4 और 2/3 में कौन सा बड़ा है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, 3/4 और 2/3, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सुपर लगा दी दोनों में ऊपर, नीचे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इसको काटने बैठूं तो दोस्तों हमारा 7/28 यानी कि 0.7 आएगा, यहाँ पे इसको अगर काटने बैठे तो दोस्तों इसके लिए 0.6 आएगा। तो आप सभी को पता लग गया कौन सी बड़ी है, यानी कि जो हमारा 3/4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों 3/4 है और यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, हमने हर वाली जो संख्या है उसको बराबर कर लेते हैं, यहाँ मैंने 3 का गुणा करा, यहाँ मैंने 4 का गुणा करा, तो ऊपर भी गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए। तो ये संख्या आपकी हो गई 9, ये संख्या आपकी हो गई 8, और इसके बटे में है 12, इसके भी बटे में है 12। अब आप देख लीजिए कौन सी संख्या ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली संख्या को छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो 3/4 आपका बड़ा हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के जो बेसिक सवाल है वो आपसे पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें, और दोस्तों ड्राइवर का पेपर है इसी तरीके का आपका आगे क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन एसएससी पेपर ले रही है तो आपको पता है थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन तो वो डालेगी। दोस्तों अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीडीएफ में ही इस लिंक को आप क्लिक करोगे तो ये प्ले स्टोर पे आपको ले जाएगा और आप जो है प्ले स्टोर से हमारा लास्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और ये हमारी मार्केट के अंदर बुक आई हुई है जिसके जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। 2100+ क्वेश्चन दिए गए हैं और सिलेबस भी आपको इसमें दिया गया है, तो इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट और अमेजोन के लिंक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आगे की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिन और रात किस कारण से होते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा, देखिए ये आपका सूरज है, ठीक है, और इसके चारों तरफ पृथ्वी है, वो दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करती है। दोस्तों आपको पता होगा जो आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूरज होगा, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, अक्ष पर, और सूर्य के चारों तरफ भी पृथ्वी है वो आपकी घूमती है, ठीक है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दोस्तों दिन रात हैं वो बनते हैं, और पृथ्वी जब दीर्घवृत्ताकार पूरी परिधि में सूर्य के चारों ओर घूमती है तो दोस्तों उस कंडीशन में जो मौसम परिवर्तन है वो आपका होता है, यानी कि सर्द ऋतु है, बसंत ऋतु है, ग्रीष्मकालीन ऋतु है, ये सारी ऋतुएं हैं वो आपकी चेंज होती है। तो दोस्तों दिन रात किस वजह से होते हैं, जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हैं, जुके नहीं दोस्तों यहाँ पे नहीं, सी ऑप्शन, जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने से आपके जो दिन रात हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपको विषम संख्या बताती है जो तीनों चीजों से मेल नहीं खाती है, वो चीज आपको बतानी है। दोस्तों आप सभी को पता है भोजन आप लोग करते हैं, जल आप लोग ग्रहण करते हैं, वायु है वो भी आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, यहाँ पे जो धन है वो आपका अलग हो जाता है, तो आपका इस क्वेश्चन के लिए धन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है, इसको समझाने से क्या फायदा। उसके बाद में दोस्तों निम्नलिखित में से देश का सबसे नया राज्य कौन सा बना है। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 2012 में पूछा गया था तो उस समय जो नया राज्य आपका बना था वो झारखंड बना था, ठीक है, जो 2012 के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका झारखंड है, लेकिन 2012 के अनुसार भी आपको पता है 12 के बाद भी 2 जून
2014 को जो तेलंगाना है वो आपका नया राज्य बन चुका है। तो अगर ये क्वेश्चन अब आता है 2022 के अंदर, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपका तेलंगाना है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इससे जो ये डेट है 2 जून 2014 ये भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब मुझे तेलंगाना की जो राजधानी है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा के जो सभापति है का कार्य कौन निभाता है? दोस्तों राज्यसभा का जो पदेन सभापति है, दोस्तों आप सभी को पता है वो उपराष्ट्रपति हमारे देश का होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति से नीचे वाला पद होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है, और यही जो पद है वो आपके राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें 28वें क्वेश्चन की, तो दिल्ली के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो दिल्ली के वर्तमान राज्यपाल हैं वो आपको 2012 के अनुसार बताने। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो आपका तेजिंदर खन्ना हो जाएगा 2012 के अनुसार। दोस्तों अब जो वर्तमान में, मैं आपको वर्तमान वाले भी बता देता हूँ, 2016 से और अब तक जो अनिल बैजल जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, एक बार मैं इनसे मिला हुआ भी हूँ। तो दोस्तों 2016 से दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो अनिल बैजल जी हैं, ये आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है क्योंकि दिल्ली पुलिस की आपकी वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें, भारत के राष्ट्रीय झंडे में जो चक्र होता है, आपने देखा होगा जो अपना भारत देश का राष्ट्रीय झंडा है दोस्तों, इसके अंदर आपने चक्र देखा होगा और इस चक्र के अंदर आपने तिल्लियां भी बनी हुई देखी होंगी। तो ये जो चक्र है ये किस रंग का होता है? दोस्तों ये जो चक्र है ये आपके नीले कलर का होता है, और इसमें तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? ये आपके 24 होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका निर्माण किसने करा था और कब किया था? ये दोनों चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका निर्माण किसने करा था, वो पिगली वकैया जी ने इसका निर्माण करा था। अब आप लोग बताओगे कब इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ऐसी नदी आपको बतानी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। दोस्तों आप सभी को पता है ब्रह्मपुत्र नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो महानदी है आपके दक्षिणी भाग में वो भी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन जो नर्मदा नदी है वो आपकी अरब सागर में गिरती है। और आप सभी को पता है जिस प्रकार से आपका मैप होता है, यहाँ पे आपकी महानदी है, यहाँ पे आपकी नर्मदा नदी है, इधर से गंगा नदी आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ऊपर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा नदी है वो आपके अरब सागर में गिरती है, तो ये अलग ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को पता है मिस्र है, नाइजीरिया है और जाम्बिया, ये तीनों देश अफ्रीका महाद्वीप के हिस्से हैं, लेकिन जो आपका अर्जेंटीना है ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और यहाँ पे एक फेमस घास के मैदान है जिसे हम पंपास के घास के मैदान कहते हैं। तो पंपास घास कहाँ पाई जाती है? वो आपके अर्जेंटीना में पाई जाती है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ जंगली जानवर हैं जो स्पेशल, जैसे गधे टाइप में, जेब्रा टाइप में भी पाए जाते हैं सफेद कलर के, ठीक है। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास में है, जयप्रकाश नारायण, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी। दोस्तों आप सभी को पता है ये है समाजसेवी है, रविंद्रनाथ टैगोर को आप सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को भी आप सभी को, इकोनॉमिक्स थे बहुत बड़े, तो इन तीनों को आप सभी जानते हो। और जो जयप्रकाश नारायण है दोस्तों ये लोकनायक थे, लोकनायक मतलब लोगों की भलाई के लिए ये कार्य करते थे। और आप सभी को पता होना चाहिए जयप्रकाश नारायण के ही चेले किन्हें माना जाता है? जो आपका लालू प्रसाद है और जो आपका नीतीश कुमार है दोस्तों, ये दोनों इसी बंदे के चेले हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो इतनी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगले क्वेश्चन की बात करें, नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आप सभी को बताना है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना सरल है, 0.1% आपको 10,000 का बताना है। 0.1% का मतलब क्या होता है? 0.1% का 1/10, तो दोस्तों इसका 1/10 हिस्सा है वो आपको बताना है। दोस्तों अगर बात करी जाए, देखो 10,000 आपकी संख्या है, इसका अगर मैं 1% देखूं तो दोस्तों 2 सुपर इसकी कट जाएंगी, और उसका भी मैं 1/10% देखूं तो एक और सुपर कट जाएगी, मतलब केवल 10 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों आप सभी को पता है अपन क्या करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में 10,000 है और 1/10 लिखा और इसका 100%, क्योंकि प्रतिशत के लिए, तो यहाँ पे 3 सुपर कट जाएंगे और 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि 10,000 का 0.1% कितना होता है? आपका 10 होता है,
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो इतना सरल मैथ आपके क्वेश्चन में आया था। अब बताओ उस समय जो आप सभी को लग रहा होगा कि ये पेपर कितना सरल है, उस समय जितने भी सिलेक्शन हुए हैं वो कितनी आसानी से हो गए होंगे, लेकिन उस समय इतना कंपटीशन नहीं था, आज कंपटीशन ज्यादा है तो ये पेपर है वो भी अच्छा होने वाला है। अगला क्वेश्चन, ए एक पुस्तक को 100 रुपए में खरीद कर बी को 10% के लाभ पर बेच देता है, वह बी ने फिर इसको सी को अपने 10% के लाभ के साथ बेच देता है, तो सी ने उस पुस्तक को कितने रुपए में खरीदा, ये आपको बताना। देखो 100 रुपए की राशि थी, ठीक है, यहां पे जब ए ने इसको खरीदा और उसके बाद ए ने इसको बी को बेचा तो इसने 10% का लाभ कमाया और 110% पे इसको बेच दिया। उसके बाद जब बी ने इसको सी को बेचा तो उसने भी 10% का लाभ कमाया और बेच दिया। अब मतलब जो सी है उसने कितनी राशि इसकी दी, तो दोस्तों यहां पे 1, 2, 3, 4, तो यहां पे 4 और 0 आपकी कट जाती है, यानी कि 121 रुपए में जो बी है उसने सी को बेचा और सी ने कितने में खरीदी, वो 121 रुपए में आपकी खरीदी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको दूसरा तरीका किस तरीके से, आपको पता होगा एक रामबाण तरीका है मैथ में जो प्रतिशत के सवाल करने का, एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है, और यहाँ पे एक्स है जो पहली लाभ हानि हो जाती है, वाई है वो दूसरा लाभ हानि हो जाता है, तो इसी तरीके से 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा में 100, तो दोस्तों यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे एक बच गया और 10 प्लस 10 ये आपके 20 हो गए प्लस में 1, यानी कि 21% का टोटल लाभ हुआ था। तो पहले शुरुआत में जब वस्तु 100 रुपए की थी तो यहाँ पे 21% के लाभ के साथ वो कितने की हो जाएगी, 121 रुपए की। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, दो तरीके हैं, मैंने आपको ये भी तरीका बता दिया, दूसरा भी तरीका आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज से देखने को मिलेगा कि 15,000 रुपए की कोई राशि है, उसको 3 वर्ष के लिए 5% के ब्याज के साथ बेचा जाता है, तो दोस्तों साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अगर दोस्तों इसको काटने लगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 इंटू 15 और ये आपके लिए 2,250 रुपए आपके हो गए, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे की बात करें तो 37वें क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको 4 आकृतियां दी गई हैं और जो अगली आकृति है वो आपको बतानी है, ठीक है, चारों ऑप्शन आपके पास में है। पहली आकृति को पूरे ध्यान से देखिए, इसमें जो ये गोला है वो पहले वाले कोने में है, अगली आकृति में ये सामने वाले कोने में चला जाता है, फिर उससे अगली वाली आकृति में ये वापस उसी कोने में आ जाता है, उससे अगली वाली में वापस सामने वाले में चला जाता है, और उससे अगली वाली आकृति में दोस्तों वापस ये उसी कोने में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सी ऑप्शन आपका कट हो गया। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। दोस्तों ये जो प्लस का चिन्ह है इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, ये जो आपका प्लस का चिन्ह है ये आपका इस वाले कोने में है, अगली वाली आकृति में ये सामने चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, उससे अगली वाली में ये इधर की साइड चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, उससे अगली वाली में ये ऊपर की साइड में आ गया तो यहाँ पे आ गया, तो इससे अगली वाली में ये वापस यहीं पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस का चिन्ह होने वाला है। तो इसके लिए अब आप देख के बता सकते हैं कौन सी आकृति राइट आंसर होगी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल आराम से करने हैं और गलत नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब लोग सही करते हैं। अगली जो आकृति है उसमें आपको बताना है पशु गाय और पुस्तक में कौन सी सबसे अच्छी तरह ये आपको दर्शाता है, कौन सा डायग्राम आपका आएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों आप सभी को पता है जो गाय है वो तो पशुओं के अंदर ही आती है, ठीक है, तो ये आपकी गाय हो गई और ये आपके पशु हो गए पशु। उसके बाद ये जो पुस्तक है वो ना तो गाय में आती है ना आपके पशु में आता है, तो दोस्तों पुस्तक आपकी अलग हो जाएगी और इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ये गोला है छोटा वाला, ये आपकी गाय हो गई, बड़ा वाला गोला आपका पशु हो जाएगा और ये वाला जो अलग गोला है ये आपका पुस्तक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन पे भी आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं अब आगे। दोस्तों इसमें आपको बताना है एक कार चालक अपने कार को पहले 3 किलोमीटर उत्तर की ओर ले जाता है, ठीक है, इसके लिए आपको एक पॉइंट बनाना है। अब उत्तर दिशा किधर है, दोस्तों उत्तर दिशा आपके ऊपर की ओर है, कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर आपका चला है। फिर वही कार वाला दाएं घूमता है, अब दाया ये साइड है, बाया आपका ये साइड है, तो दाया वो घूम के 4 किलोमीटर आपका चलता है, ठीक है। तो उसके बाद पूछा गया है पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, प्रारंभ स्थान से वह कितनी सीधी रेखा की दूरी पर है, तो यहाँ पे इसने प्रारंभ किया और यहाँ तक ये पहुँच चुका है, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी रेखा में दूरी है वो आपको बतानी है। जब आपको पता है ये 3 हो गया ये 4 हो गया तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 हो जाएगा, या फिर दोस्तों जो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है मैथ के अंदर x² + y²
यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे ये दोस्तों 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाता है, 16 प्लस 9 आपका 25 हो जाएगा, और अंडर रूट 25 का मान कितना होगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि जो राकेश है, RAKESH, ठीक है, इसको लिखा गया है QBJFRI। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि गंगेश को क्या लिखा जाएगा। आप सभी को पता है R 18 नंबर पे आता है, क्यों आपका 17 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे माइनस एक किया गया है। A आपका एक नंबर पे आता है, B आपका दो नंबर पे आता है, तो यहाँ पे प्लस का वन किया गया है, फिर आगे माइनस वन किया गया है, यहाँ पे प्लस वन किया गया है, यहाँ पे फिर माइनस वन किया गया है, आगे भी प्लस वन किया गया है। तो इसी प्रकार गंगेश को हमें बताना है, GANGES गंगेश को आपको बताना है। दोस्तों शुरुआत में माइनस वन है, तो जी से माइनस वन करेंगे तो आपका क्या आने वाला है, एफ आपका आ जाएगा। लास्ट में आपका प्लस वन है, तो लास्ट में प्लस वन करेंगे तो दोस्तों आपका टी आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है चारों में जिसके शुरुआत में एफ और लास्ट में टी हो, तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में एफ तो है लेकिन लास्ट में टी नहीं है, ये तो पूरा ही गलत हो गया, ये भी पूरा गलत हो गया, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आगे की बात करें दोस्तों, जो रीजनिंग है उसमें भी काफ़ी सरल क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। दोस्तों अब जो क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़ना, अब आपके ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में टू स्ट्रोक इंजन है वो किस प्रकार का होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दोनों बता देता हूँ, एक है आपका टू स्ट्रोक इंजन, एक है आपका टू स्ट्रोक इंजन, एक है आपका फोर स्ट्रोक इंजन, ठीक है। अब तो लगभग फोर स्ट्रोक इंजन है उन्हीं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन है वो एक तो ज़्यादा भारी ज़्यादा होते हैं, इनसे जो प्रदूषण है वो दोस्तों ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो ये माइलेज वो भी कम देते हैं, और इनमें जो क्रैक शाफ्ट के अंदर यहाँ पे केवल दो पिस्टन का यूज किया जाता है, जिनके द्वारा केवल एक ही चक्कर लगाया जाता है, मतलब एक राउंड में एक चक्कर पूरा कर लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें टू स्ट्रोक इंजन के बारे में, तो दोस्तों इनकी जो संरचना है वो आपके पहले सरल होती थी, ठीक है, सरल इनकी संरचना है वो आपकी होती है। अगर दोस्तों इनकी बात करें फोर स्ट्रोक इंजन की, और यहाँ पे मेन जो बात है ये कम शक्तिशाली ये आपके होते हैं। आगे की बात करें दोस्तों फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में, तो दोस्तों ये जो है वो हल्के होते हैं टू स्ट्रोक इंजन की तुलना में, ये जो प्रदूषण है इसको भी कम करते हैं, प्रदूषण बहुत कम करते हैं, जो इनका माइलेज है वो भी दोस्तों अच्छा होता है, इनका माइलेज भी अच्छा होता है। जो क्रैक शाफ्ट दोस्तों इसमें दो राउंड में ये एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी जो संरचना है वो थोड़ी सी जटिल आपकी होती है, क्योंकि इसमें चार आपके जो पिस्टन है वो लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू स्ट्रोक इंजन है वो भार में कम होते हैं, गलत बात है, प्रदूषण ज़्यादा करते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है, और शक्तिशाली होते हैं। दोस्तों फोर स्ट्रोक इंजन आपके शक्तिशाली होते हैं, ना कि टू स्ट्रोक इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनसे जो प्रदूषण है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, वो भी आपका इंजन से संबंधित है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों जो टू स्ट्रोक इंजन है ना, इसमें ना तो आपको वाल्व की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको गियर बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके ना तो इसमें गियर होते हैं ना ही इसमें वाल्व होते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा, यानी कि जो 50 CC तक की बाइक्स वगैरह है इनमें इसका उपयोग किया जाता है, और जो फोर स्ट्रोक इंजन है इनका उपयोग किसमें किया जाता है, 100 CC तक की बाइकों में इनका उपयोग, या इससे ज़्यादा की जो बाइकें होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, जो टू स्ट्रोक इंजन है, सॉरी कम ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न करने वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पे 42वां क्वेश्चन आपका आता है कि किस प्रकार के इंजन में वाल्व नहीं होते हैं, तो मैंने आपको बताया टू स्ट्रोक जो इंजन होते हैं इनमें वाल्व है वो नहीं होता है, और ना ही साथ में गियर बॉक्स भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वो ए ऑप्शन आपका हो जाता है। आगे की बात करें तो दोस्तों किस प्रकार के इंजनों में स्पार्क प्लग का उपयोग ईंधन जलाने के लिए नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों आप सभी को पता है जो कार्बोरेटर होता है ये आपके पेट्रोल इंजन में काम करता है, ठीक है, ये आपका डीजल इंजन में काम नहीं करता है। और कार्बोरेटर में जो जैसे ईंधन आता है और जो आपकी वायु आती है, हवा आती है, उसके द्वारा कार्बोरेटर का उपयोग ईंधन में ऊर्जा में बदला जाता है, और इसके लिए स्पार्क प्लग है वो लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना बाइक के अंदर भी आपका प्लग लगा होता है, उसे ही दोस्तों स्पार्क प्लग बोलते हैं, क्योंकि वो आपके इंजन को चिंगारी उत्पन्न करता है, ठीक है, जिससे आपका जो पेट्रोल वगैरह है वो जलता है। तो दोस्तों यहाँ पे डीजल इंजन में किसी प्रकार के स्पार्क प्लग का उपयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगर दोस्तों बात करें, और ये जो सारी चीजें हैं ये आपको डिटेल के साथ में पढ़ाई जाएंगी, जो हमारा स्पेशल ड्राइवर बैच है दोस्तों उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 9461216484। बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास होने वाली है, पूरा ड्राइवर को खत्म कर देंगे। इस बैच में आप 45 नंबर तक का स्कोर कर सकते हैं और ड्राइवर की जितनी हमें नॉलेज है सारी आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और एक बात और देखना, जितना अभी तक हमने आपको 16 क्लासेज में पढ़ाया है वो दोस्तों सारा इस पेपर में आपको आगे देखने को मिलेगा। हमारे जितने भी क्लास हो चुकी है उनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें, आंतरिक दहन इंजन में इंजन ऑयल का क्या कार्य है? तो दोस्तों आपको बताना है, इंजन को ठंडा रखने के लिए, चल हिस्सों में फिसलन देने के लिए, या फिर ए व बी दोनों। तो दोस्तों आप सभी को पता है, अगर इंजन ऑयल का उपयोग नहीं करेंगे तो आपके कर्पूजे हैं जो इंजन के अंदर लगे होते हैं आंतरिक दहन में जो काम आते हैं वो दोस्तों सही तरीके से काम नहीं करेंगे, मतलब उनकी जो चिकनाहट है वो खत्म हो जाएगी। तो चल हिस्सों में फिसलन देने के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद इंजन को ठंडा करने के लिए दोस्तों लुब्रिकेशन प्रणाली है, उसके द्वारा इंजन को ठंडा करने का भी काम किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों राइट आंसर है, तो यहाँ सी ऑप्शन ए व बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों यहां पे गाड़ियों के टायरों में सदा हवा का सही दबाव रखने को क्यों कहा जाता है? मतलब जो गाड़ी के टायर होते हैं दोस्तों इनमें सदा आपको हवा है उसका सही दबाव क्यों रखना जरूरी है? गाड़ियों के लंबे जीवन के लिए, गाड़ी चलाते समय सुरक्षा के लिए, और ईंधन की बचत के लिए। तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है, जो 45वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपको बताना है। तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों आपको पता है, अगर आप सही हवा का दबाव रखेंगे टायर के अंदर तो जो गाड़ी है उसमें झटके कम लगेंगे। सबसे पहली बात, जो आपकी रिम वगैरह है वो जल्दी खराब नहीं होगी। तो गाड़ी के लंबे जीवन के लिए आप टायरों में हवा सही भरवा सकते हैं। गाड़ी चलाते समय सुरक्षा के लिए, आप सभी को पता है कम अगर हवा होती है तो दोस्तों आपकी गाड़ी लहरा के चलती है, अगर ज्यादा हवा होती है तो दोस्तों टायर फटने का खतरा है, तो सुरक्षा के लिए भी हवा जरूरी है। ईंधन की बचत के लिए, दोस्तों अगर आप प्रॉपर हवा अपने टायरों में रखते हो तो आपके इंजन ईंधन की जो बचत है वो लगभग 10% तक आपकी कम हो जाती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो दोस्तों 46वें क्वेश्चन पे हम आ गए। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो कार्बोरेटर है इसका आपको पता है पेट्रोल इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? हवा को ईंधन के साथ मिलाने के लिए आपका ऑटोमोबाइल में जो कार्बोरेटर है उसका प्रयोग किया जाता है, और जो आपके स्पार्क प्लग के अनुसार कार्य करता है, मतलब ये जो स्पार्क प्लग है आपके ईंधन को जलाने का काम करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो आधुनिक ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर की जगह क्या प्रयुक्त किया जाता है? देखिए दोस्तों, पहले जो कार्बोरेटर था उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता था, लेकिन अब इसकी जगह आपका जो फ्यूल इंजेक्शन उसका प्रयोग किया जाता है, अब दोनों का जो काम है वो बिल्कुल सेम है, कि ये जो आपका जो कंबेशन चैम्बर होता है उसमें ये क्या करते हैं, फ्यूल को प्लस हवा को जो इन दोनों की सही मात्रा है उसका चुनाव करते हैं और आपके इंजन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहां पे जो कार्बोरेटर है और जो आपका फ्यूल इंजेक्शन है दोनों का बिल्कुल काम सेम है, लेकिन इस काम को बिल्कुल सही तरीके से कौन करता है? फ्यूल इंजेक्शन। तो कार्बोरेटर की जगह अब गाड़ियों में क्या प्रयुक्त होने लगा है? आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम प्रयुक्त होने लगा है। ठीक है, तो यहां पे जो बेस्ट है वो आपका फ्यूल इंजेक्शन है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोनों का जो काम है, कार्बोरेटर का और फ्यूल इंजेक्शन का, वो दोस्तों बिल्कुल सेम है। 48वां क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय अनावश्यक रूप से क्लच दबाने से क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है क्लच जल्दी खराब हो सकता है अगर आप उन्हें बिना मतलब के दबाते हैं। उसके बाद ईंधन है उसकी जो खपत है वो भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ए वैसी। यहाँ पे बचत नहीं होती है, ईंधन की जो खपत है वो ज्यादा हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, गाड़ियों में गियर सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये आपको बताना है, ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए गलत बात है, इंजन ऑयल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गलत बात है, इसका कोई गियर से मतलब नहीं है, एक्सीलेटर को नियंत्रित करने के लिए गलत बात है। तो दोस्तों यहाँ पे इंजन की शक्ति के पहियों की ओर प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जो गियर सिस्टम है, गियर बॉक्स है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं कि ईंधन की शक्तियों को पहियों की तरह प्रवाह करने के लिए, इसका नियंत्रण है वो करने के लिए गाड़ियों में जो गियर सिस्टम है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे की बात करें दोस्तों,
अगर आगे की बात करते हैं, ईंधन की खपत के लिए आवश्यक है कि ईंधन की जो कम खपत है वो आपकी कब हो सकती है। गाड़ी बहुत कम गति से चलाना, गाड़ी सामान्य गति से चलाना, गाड़ी बहुत अधिक गति से चलाना, गति का ईंधन की बचत से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है गति से ईंधन की जो बचत है वो कम हो सकती है। अगर आप सामान्य गति से गाड़ी चला रहे हैं और एक प्रॉपर गियर में आपकी गाड़ी चल रही है तो ईंधन है उसको आप बचा सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपके लिए साइन का क्वेश्चन है और इस साइन का आपको राइट आंसर बताना है। 51वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों ये जो चिन्ह है ये आपको बताना है। बैच में भी आपको साइन है वो पढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों आप सभी ने जो आपका जैसे ट्रक होता है उसके पीछे का जो डाला होता है उसके ऊपर ये जो साइन है वो देखा होगा, और इसका जो मतलब होता है वो रास्ता देना होता है, रास्ता दीजिए। यहाँ पे पार्किंग निषेध गलत है, अस्पताल है आगे गलत है, और प्रवेश निषेध ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर दोस्तों इसके आगे की बात करें, अगला भी साइन है, अब 9-10 आपके साइन आएंगे। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो आपके साइन है वो 9-10 पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये जो डायग्राम है इसका आपको चिन्ह बताना है, ये किसका चिन्ह है। दोस्तों आपके जो आदेशात्मक चिन्ह है वो आपको बताया गोलाई के अंदर होते हैं, ठीक है, वृत्त के अंदर होते हैं, और ये एक रास्ता इधर जा रहा है, दूसरा रास्ता नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मान लीजिए दोस्तों एक रास्ते के ऊपर क्रॉस है तो यहाँ पे एक तरफा रास्ता आपका हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सड़क टूटी है गलत है, मुड़ना मना है गलत है, और यह आम रास्ता नहीं है ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। ये साइन है बहुत ही सरल है तो मैं इसको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। ये आपको बताना है पार्किंग का सिंबल आपको दिया गया है और इधर की साइड में पार्किंग है, तो पार्किंग निषेध गलत, टेलीफोन बूथ गलत है, व्यक्तिगत क्षेत्र गलत है, पार्किंग इधर है, मतलब पार्किंग है वो इस दिशा में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, और ये भी आपके आदेशात्मक संकेत होते हैं जिन्हें करना आपका अनिवार्य है, अनिवार्य आदेशात्मक संकेत है। और दोस्तों इसके लिए एक पहला ऑप्शन है बाएं मुड़ना आवश्यक है, दूसरा ऑप्शन है बाएं रहना आवश्यक है, तीसरा ऑप्शन पीछे जाएं, और एक तरफा रास्ता। तो दोस्तों इसके लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि आप अपनी गाड़ी को हमेशा बाएं रखना आपको आवश्यक है, ठीक है, ये भी आपको बैच में है वो करवा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका वर्त है उसके अंदर एक सीमा लिखी हुई है, ठीक है, और इस सीमा का मतलब है कि इस सीमा से ज़्यादा और कम पे आपको गाड़ी नहीं चलानी है, तो ये गति सीमा को दर्शाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है त्रिभुज के अंदर आपको संकेतात्मक संकेत है, और दोस्तों इसका जो मतलब है आपको बताना है, प्रवेश निषेध गलत है, रुकिए गलत है, कोई रोक नहीं है गलत है, और ये आपके चौराहे को प्रदर्शित करता है। ये आपको चार रास्ते यहाँ पे दिख रहे होंगे तो आगे चौराया है, इस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 57 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों आपने सड़क पे इस प्रकार से ब्रेक कर देखे होंगे, ठीक है, कई बार गांव में क्या होता है खंबा होता है ना, जो बिजली का खंबा होता है उसको ही डाल दिया जाता है सड़क के बीच में, तो इस प्रकार के आपने ब्रेकर देखे होंगे। तो दोस्तों ये क्या दर्शाता है, गति अवरोध को दर्शाता है, और इसकी जगह आपको ब्रेकर भी दिया जा सकता है, ठीक है। गति अवरोधक का मतलब है आपकी जो गति है उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, धीरे आपकी गति को करवा देता है। जो ब्रेक होता है, उस ब्रेकर होता है, उसको पता है आपको कि उसके ऊपर आपको गाड़ी को स्लो करना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया अगर कोई सड़क है, ठीक है, और आगे जाके वो इस तरीके से सकड़ी हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या तो सड़क तंग है वो समझ सकते हैं, या फिर अगर ये सड़क आगे जाके फिर चौड़ी हो जाती है तो यहाँ पे आप पुल की स्थिति को भी समझ सकते हैं कि रोड के बीच में यहाँ पे पुल बनाया गया है, तो यहाँ पे आगे जाके ये सड़क है वो सकड़ी हो जाती है, तो आगे सड़क है वो तंग है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, और ये जो सारे संकेत हैं ये आपको पढ़ाए जा चुके हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। अभी इंजन वगैरह के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जो आकृति है आपकी ऊंचाई सीमा को दर्शाती है, इसे आप कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोटर गाड़ी अधिनियम के अंतर्गत लोगों को जो पगड़ीधारी सिक्कों को छोड़कर मोटरसाइकिल चलाने के लिए अनिवार्य है, मतलब मोटर वाहन जो अधिनियम आपका 1988 है उसके अनुसार अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपके लिए क्या अनिवार्य है, और पगड़ीधारी जो सिख समाज के लोग हैं उनको छोड़कर। तो दोस्तों यहाँ पे हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, सर पर हेलमेट को ठीक प्रकार से आपका बंधा होना चाहिए, ये भी जरूरी है, मतलब ए व बी दोनों ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, और डी ऑप्शन है ए व बी दोनों, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए भी सही है बी भी सही है। तो यहाँ पे हेलमेट पहनना और दोस्तों हेलमेट का सिर पर अच्छे तरीके से बंधा होना, ये दोनों कार्य आपके जरूरी हैं। गोल चक्कर पर प्रथम मार्ग अधिकार निम्नलिखित में से किसको होता है। दोस्तों गोल चक्कर आपके आते हैं आपके जो सर्किल वगैरह होते हैं आपको पता है, ठीक है, इसमें काफ़ी तरीके के रास्ते आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, चारों तरफ ही लगभग रास्ते होते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो गाड़ी है उसको प्रथमा
प्रथम मार्ग के लिए अधिकार प्राप्त है। जो गाड़ी अभी बाहर है इसका कोई मतलब नहीं है, तो किसी भी गाड़ी को प्रथम चलने का क्या गलत है। जो गाड़ी तीव्र गति से चल रही है, तेज गति से चल रही है, गलत है। जो गाड़ी बाहर से गोल चक्कर के समीप पहुंच रही है ये भी गलत है। और जो गाड़ी पहले ही गोल चक्कर के अंदर है उसको प्रथम मार्ग का अधिकार है, क्योंकि वो गोल चक्कर के ऑलरेडी अंदर है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 61 की हमने आपको बताया, 62 पे चलते हैं। पहाड़ी पर, पहाड़ी या चढ़ाई पर अगर रास्ता बना हुआ है तो उसमें प्रथम मार्ग अधिकार किसको प्राप्त है। दोस्तों आपने मान लीजिए ये कोई आपका पहाड़ है, ठीक है, तो नीचे से कोई गाड़ी आपकी जा रही है, ठीक है, नीचे से आपकी कोई गाड़ी जा रही है और इस गाड़ी को ही प्रथम आपके अधिकार है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ऊंचाई में कोई गाड़ी जाती है और उसके सामने कोई गाड़ी आ जाती है, और अगर इस गाड़ी ने अपना कंट्रोल खो दिया तो ये उल्टी तरफ से नीचे आएगी, लेकिन अगर इस गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया तो ये नीचे आते आते अपनी गाड़ी को कंट्रोल भी कर सकता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो गाड़ी पहले ऊपर जा रही है उसको प्रथमाधिकार है अपने रास्ते के लिए। तो यहाँ पे जो गाड़ी ऊपर की ओर जा रही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, बिना पैदल पथ पार पथ वाले अनियमित चौराहे पर क्या आवश्यक है। साइकिल चलाने वाले को प्राथमिकता, गलत बात है। भारी वाहनों को पहले पार कर सकते हैं, गलत बात है। छोटे वाहन पहले, गलत बात है। छोटे बड़े का कोई चक्कर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे पैदल यात्री, जो पैदल यात्री जाते हैं चौराहे पर, उनको प्रथमा अधिकार है। जब आपकी रेड सिग्नल होता है तो पहले पैदल यात्री जाएंगे, फिर उसके बाद में आपकी गाड़ी है वो जा सकती है, और वो भी सिग्नल के अनुसार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे की बात करें, पैदल पार वाली सड़कों पर जब पैदल यात्री सड़क पार कर रहे हों तो एक कार ड्राइवर को क्या करना चाहिए। दोस्तों मान लीजिए एक सड़क है और यहाँ पे आपके लिए जेब्रा क्रॉसिंग है वो बनाई गई है, और दोस्तों यहाँ पे आपकी गाड़ी जा रही है। अब आपने देखा कि आगे कुछ लोग हैं वो सड़क पार कर रहे हैं, ठीक है, सड़क पार कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए, और जितने भी ये लोग जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं दोस्तों उन सभी को पार करने का अधिकार है। तो यहाँ पे पहले आपको रुकना चाहिए और पहले पैदल यात्रियों को पार करने दिया जाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें तो 65वें क्वेश्चन पर हम आ गए। गाड़ी चलाते समय अपने आगे वाली गाड़ी से कितनी सुरक्षित दूरी आपको बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कार की लंबाई के अनुसार गलत है, 2 मीटर गलत है, इनमें से कोई नहीं गलत है। यानी कि अपनी गति के अनुसार आपको 3 सेकंड की जो भौतिक दूरी है वो रखनी चाहिए। अब ये भौतिक दूरी का क्या मतलब है और गति के अनुसार का क्या मतलब है। दोस्तों मान लीजिए अगर आप 100 की स्पीड पर चल रहे हैं, ठीक है, तो आपके आगे एक गाड़ी है और आपकी गाड़ी है। दोस्तों आपको लगता है 100 की स्पीड पर आप 3 सेकंड के अंदर गाड़ी को कंट्रोल कर लोगे, नहीं कर सकते ना। तो गति के अनुसार 3 सेकंड की भौगोलिक जो दूरी है वो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी 40 पे चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति हावर्स पे चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप 3 सेकंड के हिसाब से कंट्रोल भी कर लोगे। तो आपकी जितनी गति है उसके अनुसार 3 सेकंड की भौगोलिक दूरी है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 66वां आपका क्वेश्चन है कि जब गाड़ी धुंध में आप चला रहे हैं, यानी कि कोहरे के समय आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कोहरे के टाइम में आपको लो बीम पर गाड़ी चलानी चाहिए, लो बीम पर आपको गाड़ी चलानी चाहिए, यानी कि पीछे की जो बनी बत्ती है उसको जलाना चाहिए, जला सकते हैं। नियंत्रित गति से गाड़ी चलाना चाहिए, सही बात है। ओवरटेक आपको धुंध में नहीं करना चाहिए, सही बात है। और यहाँ पे हाई बीम्स में आपको प्रयोग करना चाहिए लाइट का, ये दोस्तों गलत बात है। तो यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि धुंध में आपको हाई बीम पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उसके आगे के क्वेश्चन की बात करें, 67वां क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा में गाड़ी चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए। टायरों में उच्च दबाव रखना चाहिए, अचानक ब्रेक लगाना चाहिए, तीव्र गति से गाड़ी चलाना चाहिए, इनमें से सभी। तो क्या नहीं करना चाहिए, दोस्तों आप सभी को पता है टायरों में उच्च दबाव है, उच्च दाब पर आपको हवा है वो नहीं रखनी है, क्योंकि फिसलन की स्थिति हो जाती है। अचानक ब्रेक है वो पानी में आपको कभी नहीं लगाने चाहिए, गाड़ी फिसल सकती है। तीव्र गति से आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, एक्सीडेंट और गाड़ी फिसल सकती है। तो यहाँ पे तीनों काम है वो आपको नहीं करने चाहिए, ठीक है, तीनों काम आपको नहीं करने चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे की बात करें, 68वें क्वेश्चन पे, किस क्रम में ट्रैफिक जो लाइट है उनका रंग है वो बदलता है। दोस्तों मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, पहले जो आपकी लाइट है, 3 लाइटें आपकी होती हैं, ठीक है, 3 लाइट आपकी ट्रैफिक लाइट में होती हैं, और जो आपकी पहली लाइट है वो सबसे ऊपर लाल कलर की होती है, बीच में दोस्तों आपके पीले कलर की लाइट होती है, और सबसे जो नीचे कलर की लाइट होती है वो आपके हरे रंग की लाइट होती है। इनका जो रंग है वो दोस्तों किस प्रकार से होता है, अगर
पहले हरी लाइट जल रही है तो उसके बाद में दोस्तों पीली जलेगी और फिर आपकी रेड जलेगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका जो है वो राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई लोग इसको उल्टा क्रम कर देते हैं कि लाल ऊपर है तो लाल जलेगी और पीली बीच में है तो पीली बीच में जलेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पहले हरी लाइट जलती है, फिर पीली जलती है और फिर आपकी लाल कलर की जो लाइट है वो जलती है। उसके बाद दोस्तों अगर आगे की बात करें, बीच सड़क पर लगातार पीली रेखा खींची होने का क्या संकेत है? दोस्तों आपने सड़क पर, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में ये पीले कलर की जो लाइनें हैं वो आपको दिख रही होंगी, इस प्रकार की लाइनें बनी होती हैं। तो ये जो संकेत है ये आपको क्या दर्शाता है? ये जो टॉपिक है आपको आगे करवाया जाएगा जो जिन बच्चों ने बैच ले रखा है। आपको हमेशा सीधी रेखा में बाईं ओर गाड़ी चलानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ओवरटेक के समय आप रेखा पार कर सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप सड़क पर नहीं रुक सकते हैं, ये भी गलत बात है, रुक सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये वैसे ही गलत हुआ। तो दोस्तों जब भी आपको सड़क पर पीली लाइन दिखे, बिल्कुल लगातार होनी चाहिए, इसके बीच में कट नहीं होना चाहिए। आपकी एक जो लाइन है आपने देखी होगी, इस तरीके से कट आपको मिलते हैं सड़क के ऊपर, ठीक है। तो उसका मतलब ये है जब आपको जरूरत पड़े तो आप जो यहाँ गाड़ी चल रही है उससे ओवरटेक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगातार सफ़ेद कलर की लाइन दिखे या पीले कलर की लाइन दिखे तो इसका मतलब है आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन सफ़ेद कलर की दिखे तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ओवरटेक। और दोस्तों अगर आप पीली कलर की दिखें तो आपको अपना जो वाहन है वो दोस्तों बाईं साइड में रखना चाहिए, हमेशा बाईं तरफ आपका वाहन है वो आपको रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा आपको रेखा के बाईं ओर आपको गाड़ी चलानी चाहिए, ए ऑप्शन आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। आगे भी दो तीन सवाल इससे ही रिलेटेड हैं। सड़क के बीच जो सफ़ेद कलर की टूटी हुई लाइन होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइन आपको क्या प्रदर्शित करती है? दोस्तों ये लाइन आपको प्रदर्शित करती है जब आप सुरक्षित हो तो रेखा को ओवरटेकिंग के लिए पार कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए दोस्तों आप इस साइड में चल रहे हैं, ठीक है, एक गाड़ी आपके सामने है, ठीक है, और आपकी गाड़ी इससे पीछे है और दोनों इस दिशा में जा रहे हैं। अब आपको पता लगा कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी है वो आपकी नहीं आ रही है, तो इस स्थिति में आप इधर से इस गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल सकते हैं। तो ये जो सफ़ेद लाइन है ये आपको सुरक्षात्मक तरीके से ओवरटेक करने की अनुमति देती है। उसके बाद अगली आगे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 71वां जो क्वेश्चन है उस पर देखें, दिए गए चित्र के अनुसार सड़क में एक तो लगातार सफ़ेद रेखा है, ये जो डायग्राम है ये आपके पेपर में दिया गया था, ये एक तो लगातार सफ़ेद रेखा है जिसमें कोई भी कट नहीं है, कट आपका नहीं है, ठीक है, एक टूटी हुई सफ़ेद रेखा है, जो ये नीचे वाली लाइन है ये आपको पता है टूटी हुई सफ़ेद रेखा है, ठीक है, ये इसमें आपका कट है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक तो बिल्कुल सीधी सिंपल रेखा है, एक में आपको कट दिए गए हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों यदि सुरक्षित हो तो ओवरटेक करने के लिए निम्न रेखाओं को पार कर सकते हैं, यदि आप कौन सी गाड़ी का ड्राइव कर रहे हैं, ए या बी। यहाँ पे दो प्रकार की गाड़ियाँ हैं, जो ए गाड़ी है वो आपके इस वाली सड़क पे चल रही है, बी गाड़ी है वो इस वाली सड़क पे चल रही है। तो अभी मैंने आपको बताया अगर आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो दोस्तों टूटी वाली सड़क पे आप ओवरटेक कर सकते हैं, मतलब इस सड़क के जो लोग हैं वो ओवरटेक करके इधर आ सकते हैं अपनी सुरक्षा के अनुसार, लेकिन इस सड़क के जो लोग हैं अपने वाहन को इधर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बी की तरफ से टूटी हुई लाइन है तो बी ओवरटेक कर सकता है, लेकिन ए जो है वो ओवरटेक नहीं कर सकता, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको छोटी सड़क में से एक मुख्य सड़क पर प्रवेश करते समय आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? दोस्तों इस तस्वीर को एक बार आप देखें, ये आपका मुख्य सड़क है, मेन सड़क है, ठीक है। अगर कोई भी गाँव मान लीजिए यहाँ एक कट होता है, यहाँ पे आपको एक कट मिल गया इस सड़क पे, तो अगर आप इस कट पे इधर से आ रहे हैं तो दोस्तों पहले जो इस मेन सड़क पर जो वाहन जा रहे हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले उनको निकलने आपको दिया जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपनी गाड़ी को मुख्य सड़क पर ला सकते हैं। पहले आप रुककर मुख्य सड़क पर आती जाती गाड़ियों को पार करने दें और उसी के बाद आप अपनी जो गाड़ी है वो मुख्य सड़क पर ला सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये आपके पेपर में नहीं आए थे, मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये जोड़े हैं। ट्रैफिक सिग्नल पीली बत्ती का आपको क्या अर्थ प्रदर्शित करता है? दोस्तों आपको पता है सबसे नीचे हरी, उसके बीच में पीली और सबसे ऊपर रेड कलर की लाइट होती है। हरी जो लाइट है वो आपको प्रदर्शित करती है रुक जाने का, यानी कि वॉक आप जा सकते हैं। पीली जो लाइट है वो आपको इंतजार करने के लिए बोलती है, जो रेड कलर की लाइट है वो आपको रुकने के लिए बोलती है। तो आपको रुकना चाहिए यदि ऐसा करना आपके लिए असुरक्षित न हो तो। असुरक्षित होने का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पे एक चौराया है, वो मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप इधर से आ रहे हैं, यहाँ अभी जो सिग्नल है उसके ऊपर ग्रीन लाइट है, यानी कि हरी कलर की लाइट है,
और जैसे जैसे आप पास जा रहे हैं यहाँ पे आपकी पीली लाइट आपकी हो जाती है, तो आपको जो अपना वाहन है उसकी स्पीड को स्लो कर लेना चाहिए, क्योंकि जो पीली लाइट है वो तुरंत बाद में रेड लाइट में बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्लो कर लेनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए दोस्तों, जब आपकी हरी लाइट जल रही थी तो आप बिल्कुल चौराहे के बिल्कुल पास में पहुंच गए थे, और जब आपकी पीली लाइट हुई तो आपको आप इस लाइन को, इस चौराहे को पार कर गए थे, मतलब आधी दूरी आपने पार कर ली। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में फिर आपको सीधे निकल जाना चाहिए, या फिर दाएं बाएं जिधर भी आप जाना चाहते हैं उधर आप निकल सकते हैं। तो आपको रुकना चाहिए, और अगर आप असुरक्षित हैं तो आप रुकिए, अगर आप सुरक्षित हैं तो फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें 74वें क्वेश्चन की बात करें, तो ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगले अगर क्वेश्चन की बात करें, सामान्य नियम के अनुसार गाड़ियों का जो हॉर्न है उसको कब बजाना चाहिए? उतना अधिक बजाएं जितना संभव हो, गलत बात है। तभी बजाएं जब दूसरे हॉर्न बजा रहे हों, गलत बात है। सिर्फ लाल बत्ती पर, गलत बात है। तभी हॉर्न बजाएं जब सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो। तो आपको गाड़ी का जो हॉर्न है वो आपकी सुरक्षा या सुविधा के अनुसार आपको बजाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, घुमावदार व पहाड़ी सड़कों पर जब आगे के रास्ते की दृष्टि, मतलब देखने की जो क्षमता बाधित हो, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सिर्फ बाएं से ओवरटेक करें, गलत बात है। दोस्तों अगर आपको, देखो मान लीजिए कोई भी घाटी है और उसमें इस तरीके के, मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ दोस्तों, मान लीजिए कोई घाटी है और इसमें इस तरीके के बड़े बड़े घुमावदार मोड़ हैं। ठीक है, आपकी जो सड़क है और यहाँ आपकी गाड़ी मान लीजिए चल रही है, तो इधर का जो वाहन आ रहा है या यहाँ पे कोई वाहन जा रहा है उसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ओवरटेक करने से आपको बचना चाहिए जब तक आपका दृश्य है वो साफ न हो जाए, मतलब आपको जो आगे की सड़क है वो उस पर पता लग जाए कि कोई वाहन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ना तो आपको हॉर्न बजाना है, ठीक है, ना आपको ओवरटेक करना है, और ना ही आपको बाएं से ओवरटेक करना है। ऐसी स्थिति में ओवरटेक करने से बचना चाहिए जब तक आपको साफ आगे की जो सड़क है वो दिख ना जाए, उसके जो वाहन है वो आपको दिख ना जाए। उसके आगे की तरफ क्वेश्चन की बात करते हैं, जब आपको मुख्य सड़क पर रुकना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं? आपको अचानक ब्रेक लगानी चाहिए, गलत बात है। आप बाई और गाड़ी धीरे से आपको रुकना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अपनी बाई साइड में आपको गाड़ी को धीरे धीरे रोकना चाहिए। पार्किंग बत्ती जलानी बुझानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इंडिकेटर आपको देना चाहिए, यानी कि बी और सी दोनों ही आपको करने चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। अगले 77वें क्वेश्चन की बात करें, आप बाई ओर से ओवरटेक कर सकते हैं, कैसी स्थिति में कर सकते हैं? हमेशा कर सकते हैं, गलत बात है। कभी नहीं कर सकते, ये भी गलत बात है। आप बाईं ओर से ओवरटेक आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में, जब दाहिने लेन की गाड़ियां अपने दाहिने ओर मुड़ रही हो और आपके सामने की जो सड़क है वो खाली हो, तो आप ऐसी स्थिति में ओवरटेक कर सकते हैं। जब पीछे कोई व्यक्ति हॉर्न बजा रहा हो, गलत बात है। ये दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए ये आपका चौराहा है, चौराहा नहीं, कोई सड़क मान लेते हैं। इस पे एक कट है, इधर की तरफ गुजारा है, और एक ये आपका रास्ता है। अब आपके सामने एक यहाँ पे, आपके सामने एक यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है, और आपके यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है, मतलब आपके सामने कोई गाड़ी नहीं है, आपकी गाड़ी इससे पीछे है। दोस्तों ये आपकी बाईं साइड हो गई, ये आपकी दाईं साइड हो गई, दायां पक्ष हो गया। अगर ये गाड़ी मान लीजिए इस रोड पे जाती है, दाईं तरफ जाती है, और आपके सामने कोई भी वाहन नहीं है, तो आप बाईं तरफ से वाहन का जो ओवरटेक है इस वाहन का, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि आप कब बाईं ओर से गाड़ी का ओवरटेक कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे, जब दाहिने लेन की गाड़ियाँ अपने दाहिने ओर मुड़ने को तैयार हों और सामने की ओर कोई भी गाड़ी ना हो, सड़क खाली हो, तो ऐसी स्थिति में आप ओवरटेक कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं, गाड़ी चलाते समय चौराहे पर पहुँचने से पहले, दोस्तों जो आपकी संबंधित लेन है उसका चुनाव आपको कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे चौराहे पर आपको लेन के चुनाव की चिंता करने की जरूरत नहीं है, गलत बात है। आप गति बढ़ाएं, चौराहे को पार करें, गलत बात है। आपको काफ़ी पहले से ही अपनी लेन चुन लेनी चाहिए, आपको अंतिम समय में अपनी लेन चुननी चाहिए, तो ये भी गलत बात है। तो मैंने आपको बताया कि चौराहे से पहले ही आपको जो अपनी लाइन है उसको डिसाइड कर लेना चाहिए। उसके आगे की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र में दिए गए चित्र में किस गाड़ी ने चौराहे पर सही प्रकार का रास्ता है वो नहीं लिया है? देखो इसमें तीन गाड़ियाँ हैं। पहली गाड़ी आपकी जो सी है वो इस तरीके से जाती है, दूसरी गाड़ी आपकी ए है वो आपको इस तरीके से जाती है, तीसरी गाड़ी आपकी बी है वो इस तरीके से आई और इसने यहीं यू टर्न ले लिया। ये बी गाड़ी है, ये ए गाड़ी है, ये आपकी सी गाड़ी है।
अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कोई भी गाड़ी सर्किल पे आए और इस तरीके से टर्न नहीं ले सकती, तो बी जो गाड़ी है उसने रास्ता गलत काटा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए अगर सी ने इस तरफ रास्ता काट दिया तो उसी कंडीशन में ए इस तरफ नहीं काट सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों गाड़ियों की टक्कर हो सकती है, तो इसका मतलब ए गलत है। ठीक है, अगर ए ने पहले काट दिया तो फिर बी है वो सी है वो नहीं काट सकता, तो यहाँ पे इस कंडीशन में सी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी तो गलत है, बी के साथ में ए भी गलत हो सकता है या फिर बी के साथ में सी भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में बी तो गलत है, बिल्कुल सही है, ए भी गलत है, सी भी गलत है एक कंडीशन में, लेकिन क्या तो कंडीशन ये हो सकती है या ये हो सकती है। तो दोस्तों ए और बी केवल एक ऑप्शन में दिए गए हैं, अगर बी के साथ में सी होता तो भी आपका ये आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे सी नहीं दे रखा है, ए दे रखा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा देखिए, बी है उसने इधर से काट ली, गलत है, जब सी ने इधर से काटी तो ए ने इधर से नहीं काटना चाहिए, तो बी और ए दोनों गलत हो गए। अगर मान लीजिए बी तो गलत है ही हर कंडीशन में, अगर ए पहले काट लेता है तो सी को नहीं काटना चाहिए, फिर बी और सी दोनों गलत हो जाते, लेकिन यहाँ ऑप्शन में बी और सी का ऑप्शन नहीं है, ए और बी का है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं, आगे की तो दोस्तों आगे की बात करें तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है 80 नंबर पे हम आ गए हैं, इसमें आपको बताना है किस गाड़ी ने दायां मोड़ सही प्रकार से लिया है। तो आप सभी को पता है, देखो ये आपकी सड़क जारी है, यहाँ पे कोई कट है और ये डबल लाइन है, तो दोस्तों इधर से मान लीजिए ये आपकी पट्टी है, आप डैश डैश वाली आपको पट्टी दे रखी है, मैं वो भी बना लेता हूँ, देखिए डैश डैश वाली आपकी पट्टी दे रखी है, यानी कि आप इस लाइन को ओवरटेक कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप इस लाइन को सीधा ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब तक इस लाइन के सामने नहीं चले जाते, यहाँ पे मान लो कोई सर्किल है तो आपको ऐसे ही घूम के आना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं जा सकते, क्योंकि इस रोड पर जो गाड़ियाँ हैं उनसे आपकी टक्कर हो सकती है, इधर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो आपसे टक्कर कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो बी गाड़ी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ए गाड़ी है वो आपकी गलत है, क्योंकि ये लाइन को काट के जा रही है, तो बी गाड़ी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो 81 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, कार ड्राइवर को बाईं ओर मुड़ते समय कौन सा संकेत देना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दाहिने हाथ को क्षैतिज रूप में फैलाकर या निकालकर वामावर्त घड़ी की दिशा में 3 बार आपके हाथ को गोल गोल आपको उल्टा घुमाना है, यानी कि जो पीछे वाली गाड़ी है फिर समझ जाएगी कि ये जो अगली वाली गाड़ी है वो आपको बाईं ओर मुड़ने के लिए बता रही है, तो आपको जो पीछे वाली गाड़ी है वो समझ जाएगी कि आगे वाली गाड़ी आपके बाईं ओर जाने के लिए संकेत कर रही है। तो यहाँ पे अगर आपको गाड़ी आगे है तो आपको अपना दाहिना हाथ क्षैतिज दिशा में निकालना है गाड़ी से बाहर, और वामावर्त गाड़ी की उल्टी दिशा में आपको 3 बार अपने हाथ को घुमाना है, और आपका संकेत है वो बाईं ओर के लिए प्रदर्शित होता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि सार्वजनिक स्थानों पर परिवहन गाड़ियों को चलाने के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है। दोस्तों जो न्यूनतम आयु है परिवहन व्हीकल के लिए वो आपकी 20 वर्ष है, ठीक है, इसको बिल्कुल राइट आंसर है। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, अगर आपके पास 50 cc इंजन की मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, बाइक है, तो दोस्तों आपकी जो आयु है वो 16 वर्ष आप हो सकते हैं तो चला सकते हैं। अगर आपके पास में 50 cc से ऊपर इंजन की बाइक वगैरह या फिर LMV लाइट मोटर व्हीकल वगैरह, तो ऐसी स्थिति में आप 18 वर्ष की उम्र में आप इन वाहन को चला सकते हैं। HMV वाहन के लिए, हैवी मोटर व्हीकल के लिए, ट्रांसपोर्ट या परिवहन व्हीकलों के लिए आपको 20 वर्ष का होना जरूरी है, ठीक है। और एक चीज़ और आती है, अगर आप कंडक्टर लाइसेंस आपके पास में है तो आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये चारों चीज़ आपको याद रखनी है, आपसे एक क्वेश्चन 100% इनमें से पूछा जाएगा, तो 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे की बात करें, किन गाड़ियों के पंजीकरण के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का मतलब है दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है, कि आप फिट है या अनफिट है, फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो दोस्तों अगर आप परिवहन व्हीकल के लिए, जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल हैं दोस्तों, इनके लिए आपको फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें दोस्तों 84वें क्वेश्चन की, तो भारी माल वाहन आपको बताने हैं कि इनका कुल वजन है वो कितने से अधिक होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब आपको धाराएं आप पढ़ाई तो धारा 2 का 16वां पाठ है, उसमें मैंने आपको भारी जो माल वाहन वाहक हैं उनके बारे में बताया कि इनका वजन अगर 12,000 किलोग्राम से अधिक है, और वो भी खाली गाड़ी का, तो दोस्तों आपके लिए ये बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उन्हें हम भारी माल वाहन कहेंगे। अगर दोस्तों आपका वजन 7500 किलोग्राम से कम है,
कम है तो वो आपके LMV हो जाते हैं, और इन दोनों के बीच में है वो आपके मध्यम वाहन हो जाते हैं, मध्यम वाहन। और LMV है वो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, धारा 2 के 21वें पाठ के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। और धारा दो के 16वें 17वें पाठ के अंतर्गत क्या आता है, भारी यात्री वाहन, ठीक है। तो इनको भी याद रखना चाहिए। और भारी यात्री वाहन के लिए जो वजन है वो भी आपका 12,000 किलोग्राम है, ठीक है। आगे की बात करें, 85वें क्वेश्चन की बात करें, तो दोस्तों ये सारी डिटेल वगैरह आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद अगर आगे की बात करें, लोक परिवहन की जो बसें हैं उन्हें किस श्रेणी में, स्टेज कैरी श्रेणी में, ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आगे की बात करें, गाड़ी चलाने के लिए खून में अल्कोहल की जो अधिकतम मात्रा है वो मान्य मात्रा कितनी हो सकती है, तो दोस्तों मैंने आपको बैच में करवाया था कि 30 ml आपकी मात्रा हो सकती है। तो दोस्तों वहां पे ml को आप मिलीग्राम कर लेना, ठीक है। मतलब 100 ml रक्त में आपका 30 mg आपके खून की मात्रा, वो अल्कोहल की मात्रा है, तो वो आपकी चल जाएगी। अगर 30 mg से ज़्यादा है तो फिर आप शराबी घोषित कर दिए जाते हैं और आपका जो चालान है वो काट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें 87वें क्वेश्चन के बारे में, मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के अंतर्गत किसे अपराध माना गया है। यदि आप एक बिना बीमा वाली गाड़ी के मालिक हैं, ठीक है, बिना बीमा गाड़ी को आप चलाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, बिना बीमा गाड़ी चलाते समय आप दुर्घटना कर देते हैं तो ये भी आपका अपराध है। देखो दोस्तों, जो मालिक है ना उसको गाड़ी, अगर आप बिना बीमा की गाड़ी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोस्तों आप गाड़ी को बिना बीमा के साथ चलाते हैं, रखने की बात अलग है, अगर आप रोड पे सार्वजनिक स्थानों पे चलाते हैं तो आपका अपराध माना जाएगा, आपका चालान कट सकता है। और अगर आप बिना बीमा की गाड़ी से दुर्घटना कर देते हैं तो भी आपका अपराध माना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 87 क्वेश्चन का आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के तहत ड्राइवरों को पुलिस को दिखाने के लिए हमेशा साथ कौन से दस्तावेज आपके रखने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बताएं तो गाड़ी चलाते समय सभी जो दस्तावेज हैं जिनकी मूल प्रतियां आपके पास में होनी चाहिए, फोटोकॉपी आप नहीं रख सकते हैं, जो मूल आपके दस्तावेज हैं वो आपको रखने चाहिए। उसके बाद 89 क्वेश्चन है, किसे अपराध माना जाएगा यदि कोई व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हो। तो ऐसी स्थिति में जो मालिक है, मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसके पास गाड़ी नहीं है क्योंकि उसका लाइसेंस ही नहीं बना है, तो दोस्तों यहाँ पे जिस मालिक की वो गाड़ी ले गया है वो भी दोषी है, और जो खुद गाड़ी चला रहा है वो भी दोषी है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों आपके दोषी हैं, ठीक है। आगे की बात करी जाए दोस्तों, अगर आगे की बात करी जाए तो 90 क्वेश्चन पे चलते हैं, आदेशात्मक जो सड़क संकेत हैं वो आपके किस प्रकार के होते हैं, वर्ताकार आपके होते हैं, ये सारे जो संकेत हैं ये आपके आदेशात्मक संकेत हैं। इसमें जहां तक आपके ये संकेत हैं, ये वाले संकेत मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि नीली पट्टी में जो आदेशात्मक संकेत हैं वो आवश्यक हैं या अनावश्यक हैं। देखिए ये दोनों संकेत आदेशात्मक नहीं है, लेकिन ये अपवाद के रूप में आदेशात्मक माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो संकेत हैं, ये जितने भी संकेत आपको दिख रहे हैं, ये दोस्तों आपके आपको बताते हैं कि हम आदेशात्मक संकेत हैं, और ये इनका पालन करना आपके लिए जरूरी नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब ये जो संकेत हैं ये आपको क्या कहते हैं, ये संकेत कहते हैं कि हमारा पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। और ये जो बीच में दो संकेत बच गए, ये कहते हैं कि हमारा जो हम संकेत देते हैं उसका पालन करना आपको बेहद जरूरी है, आप बिना करे इसका पालन नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं ये आपके आदेशात्मक संकेतों के अंतर्गत आती हैं, यानी कि वर्ताकार आपके जो साइन होते हैं वो आपके आदेशात्मक साइन होते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे, पिस्टन रिंग का कार्य क्या रोकना है। दोस्तों आप सभी को पता होगा जो इंजन होता है उसमें आपका एक मेन सिलेंडर होता है, उसके बीच में आपका पिस्टन लगा होता है, ठीक है, और इसके नीचे आपका जो कनेक्टिंग रोड है वो आपका लगा हुआ होता है, ठीक है, और ये पिस्टन है वो आपका ऊपर और नीचे गति करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पिस्टन है वो पूरा दिख रहा होगा। तो दोस्तों देखो, ये जो कनेक्टिंग रोड है ये किसके माध्यम से जुड़ी होती है, ये आपके वरिष्ठ पिन के माध्यम से जुड़ी होती है, ठीक है। इसमें एक पेच डला होता है उसे वरिष्ठ पिन कहते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पिस्टन होते हैं उसके ऊपर तीन आपकी रिंग होती है, एक जो ऊपर की रिंग है इसे टॉप कंप्रेसर रिंग कहते हैं, सेकंड कंप्रेशन रिंग और ऑयल कंट्रोल रिंग, ये तीन प्रकार की रिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आपके जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे लगे होते हैं दोस्तों, इनके मध्य जब आपके ईंधन और हवा आती है तो उनके प्रेशर को रोकने के लिए, यानी कि संपीड़ित दबाव को रोकने के लिए जो आपका पिस्टन है वो वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका चित्र देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर होगा। और जब आपको पिस्टन पूरा पढ़ाया जाएगा तो अच्छे तरीके से आपको खोल के बताया जाएगा, और इसके लिए आप हमारा जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे की बात करें तो दोस्तों काफी सारे अब इंजन के जो क्वेश्चन है वो आपके लगभग 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे अगर आगे की बात करें दोस्तों,
पिस्टन का जो कनेक्टिंग रोड है वो किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जो गजन पिन है जिसे हम वरिष्ठ पिन भी कहते हैं उसके द्वारा जो आपका पिस्टन है, देखो ये आपका पिस्टन है ठीक है, इसके अंदर एक छेद होता है और इस छेद के माध्यम से ही जो आपकी कनेक्टिंग रोड है वो आपकी जुड़ी होती है। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको दिखाया था, देखो एक बार इस चित्र को देखो, यहाँ पे आपकी वरिष्ठ पिन है जिसे हम गजन पिन बोलते हैं, गजन पिन हम बोलते हैं ठीक है। तो ये जो पिन है इसके माध्यम से ये जो कनेक्टिंग रोड है इसको और पिस्टन को जोड़ा जाता है ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका गजन पिन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 के लिए शायद ठीक है। तो यहाँ पे 92 के लिए आपका गजन पिन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आगे की बात करें 93 क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे चार सिलेंडर इंजन का आपको जो दागने का क्रम है, यानी कि आपको क्या बताना है इनका फायरिंग जो ऑर्डर है, फायरिंग ऑर्डर वो आपको बताना है। तो चार सिलेंडर के लिए जो फायरिंग ऑर्डर है वो आपका कैसे होता है, दोस्तों यहाँ पे इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करिए। देखो ये आपको पता है ये आपका पिस्टन लगा हुआ है, ये आपका कनेक्टिंग रोड लगा होता है ठीक है। इसके ऊपर ये जो चीज़ है ये आपका सिलेंडर, इसे हम कहते हैं सिलेंडर हम कहते हैं। तो यहाँ पे जब आपका जो चार स्ट्रोक का इंजन होता है, मतलब जिसमें चार पिस्टन आपकी काम करती है दोस्तों, उसमें जो सबसे पहला स्ट्रोक होता है इसे हम इंडक्शन स्ट्रोक कहते हैं, दूसरे स्ट्रोक को कंप्रेशन स्ट्रोक कहा जाता है, फिर पावर स्ट्रोक होता है, फिर आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक आपका होता है। अब ये किस प्रकार से काम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपका जो इंडक्शन स्ट्रोक है वो आपका काम करता है, फिर आपका पावर स्ट्रोक काम करता है, फिर आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक काम करता है, और उसके बाद में दोस्तों आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक है वो काम करता है। तो ये इसी क्रम में आपका जो फायरिंग ऑर्डर है वो आपका होता है, और ये जो सारी चीजें हैं आपको बैच में आपको पढ़ाई जाएंगी ठीक है। तो चार सिलेंडर इंजन के लिए जो आपका फायरिंग ऑर्डर है, जो ईंधन को दागने का क्रम है, वो किस प्रकार से होता है, 1 3 4 2 पहले वाला, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का, और फिर दूसरे नंबर का ठीक है। बुक में इसका क्रम है वो गलत हो गया है, उसे आप चेक कर लेना और सही कर सकते हो ठीक है। आगे की बात करते हैं, आगे की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 94 क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स पैडर किसका भाग है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक्स पैडर आपका एक्सल का भाग है ठीक है, ये एक्सल का भाग है, इसको भी आगे पढ़ाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूनिवर्सल जॉइंट किसके प्रयोग के बीच में लगा होता है, मतलब यूनिवर्सल जॉइंट है वो किन किन दो चीज़ों को जोड़ता है। दोस्तों जो सेकंड क्लास थी हमारी, मैंने उसमें आपको ये डायग्राम पढ़ाया था जो चिचिस के भागों के बारे में, और यहाँ पे जो चीज़ आपकी जुड़ी हुई थी यहाँ, इसे यूनिवर्सल जॉइंट आपका कहा जाता है, और ये जो पाइप आपको दिख रहा है ये आपका पॉपुलर सॉफ्ट हो जाता है ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम है जहाँ आपके गेरे वगैरह रियल एक्सर काम करता है, ये आपका डिफरेंशियल होता है और ये आगे का डिफरेंशियल होता है ठीक है। तो आपका जो यूनिवर्सल जॉइंट है ये आपके जो आगे का एक्सल है इस पूरे पार्ट को जोड़ता है, पीछे वाले पॉपुलर सॉफ्ट से या फिर डिफरेंशियल से। तो इसका जो आंसर है हम ऑप्शन के अनुसार देंगे ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखो यूनिवर्सल जॉइंट है, मैं इसको डायग्राम भी थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। यूनिवर्सल जॉइंट है का प्रयोग किसके बीच में किया जाता है, दोस्तों यूनिवर्सल जॉइंट आपका ये है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो पॉपुलर सॉफ्ट, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में पॉपुलर सॉफ्ट या डिफरेंशियल नहीं दिया गया है ठीक है। और एक्सल ड्राइव, ये जो आप आगे का एक्सल है ये पूरा एक्सल ड्राइव कहलाता है ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट है वो आपके पॉपुलर सॉफ्ट और एक्सल ड्राइव के बीच में लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ठीक है। और इसी माध्यम से हम एक एक चीज आपको समझाएंगे, क्योंकि हमें पता है सभी बच्चों के लिए जो ड्राइवर है वो बिल्कुल नया सिलेबस है। यहाँ पे अगर बात करें, सामान्यतः कार के गियर बक्से में लुब्रिकेशन देने की क्या विधि होती है, दोस्तों लुब्रिकेशन ऑयल की एक विधि है जिससे आपकी जो वाहन की जो अंदर के जैसे कोई भी पार्ट्स हो गया, इंजन हो गया, क्लच बॉक्स हो गया, उसमें ऑयल की मात्रा की पूर्ति की जाती है पूरी गाड़ी में, जहाँ भी जैसे टायरों में आपकी रिम वगैरह है उनमें यूज किया जाता है, जो ग्रीस वगैरह है उनके माध्यम से भी आपका लुब्रिकेशन है वो दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रीज पिन है, इस प्रकार की एक पिन होती है जिसमें एक इस तरीके का पाइप वगैरह लगा होता है, उस तरीके से आपका जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसको कंप्लीट किया जाता है। तो कार के गियर बक्से में लुब्रिकेशन देने की जो विधि है उसे ग्रीज गन कहते हैं, और ये गन की तरह ही होती है, आपको ये इससे आपका इसका दिख रहा होगा, तो इसे इसलिए गन भी बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें तो 97 क्वेश्चन है, मुड़ते समय कार के अंदर और बाहर के पहिए की गति की आवश्यकता होती है, यह किसके द्वारा संभव होता है। देखो दोस्तों अभी चीज़ मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताई थी, देखो यहाँ पे जो टायर लगे हुए होते हैं ये चाहे अंदर की साइड मुड़े या फिर बाहर की साइड मुड़े, दोस्तों इनके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये पार्ट है, और इस पार्ट को बोला जाता है डिफरेंशियल, ठीक है।
तो अगर आपके टायर बाहर की तरफ मुड़े या फिर अंदर की तरफ मुड़े, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका जो मेन हिस्सा है वो डिफरेंशियल आपका यूज होता है। और इस डिफरेंशियल ये किसके माध्यम से घूमता है, ये दोस्तों पॉपुलर शाफ्ट के माध्यम से घूमता है। और पॉपुलर शाफ्ट आपके कहाँ जुड़े होते हैं, ये दोस्तों आपके यूनिवर्सल जॉइंट से जुड़े होते हैं। और आगे आपके क्लच बॉक्स हैं, गियर बॉक्स हैं, और आपका जो ये फ्रंट एक्सल है ये आपका आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे आप बता सकते हैं कि जो टायर है उनके घूमने की स्थिति किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो डेफरिशियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, डेफरिशियल, ठीक है। आगे के बारे में बात करते हैं, पीछे के दृश्य के लिए गाड़ियों में किस प्रकार के लेंस या दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है जो आपकी गाड़ी है उसके दोनों साइड में दर्पण आपके लगे होते हैं, और एक कौन सा दर्पण होता है, ये आपका उत्तल दर्पण होता है। अब उत्तल दर्पण क्या काम करता है दोस्तों, उत्तल दर्पण है वो आपकी बड़े आकार को छोटे आकार में परिवर्तित करता है। यानी कि जैसे आपके पीछे बड़ा सारा ट्रक आ रहा है फिर भी वो छोटे से कांच में पूरा ट्रक दिख जाता है आपको, यानी कि जो उत्तल लेंस है ये आपके बड़े साइज को छोटे साइज में परिवर्तित कर देता है, चीजों को समेटता है। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि गाड़ियों में जो बगल में पीछे के लिए शीशे लगाए जाते हैं वो दोस्तों उत्तल लेंस होते हैं। उसके बाद में 99 क्वेश्चन की अगर बात करें, शहरों में रात के समय गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो हेडलाइट कैसी रखनी चाहिए। दोस्तों आपको पता है धुंध के समय और रात्रि के समय आपको नीची बीम पर यानी कि लो बीम पर आपको गाड़ी चलानी चाहिए। क्यों चलानी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई बीम पर गाड़ी चलाते हैं तो आपके सामने जो गाड़ी आ रही है, मान लीजिए आपकी गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक ही आपकी सड़क है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपकी जो गाड़ियां हैं वो एक दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, और दोस्तों यहाँ पे गाड़ी चलाने में आपको जो चकाचौंध वाली स्थिति है वो बन जाती है, ठीक है। तो हमेशा आपको जो नीचे वाली लाइट है, लो बीम है, उसके ऊपर गाड़ी चलानी चाहिए। अगर रोड खाली है तो आप हाई बीम पे भी गाड़ी चला सकते हो। उसके बाद अगर बात करें लास्ट क्वेश्चन के बारे में, चौराहे पर अकेली धीमी बत्ती के जलते बुझते रहने का क्या मतलब है। तो दोस्तों ये आपको बताना है, गाड़ी धीमी करें और सावधानी से जाएं, समान गति से चलते रहें, हॉर्न बजाएं और जाएं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपको ए लगता होगा, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बस इसमें एक चीज नहीं दी गई, इस ऑप्शन को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। यहाँ पे होना चाहिए था इस ऑप्शन की जगह, गाड़ी धीमी करें एवं समान गति से चलते रहें। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जब आपकी पीली लाइट है वो जलती या बुझती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है जो 2012 में आया था। अब आपको पता लग गया होगा कि बस इसमें इंजन के लगभग 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से टिपिकल है, जिसने अच्छी तैयारी करी है वो कर सकता है, लेकिन बाकी जो 90 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सरल है। और इसी वजह से इस एग्जाम की जो कट ऑफ है वो 78 तक पहुँच गई, और वो भी 2012 में। अब जो इसकी कट ऑफ है उसके लिए जनरल कैटेगरी में आपको 75 से और 80 नंबर लेके ही आने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ये पेपर है ये कंप्लीट होता है। अब इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है देखो, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, या ये जो पीडीएफ है इसमें आपको इस लिंक पे भी क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन है हमारा प्ले स्टोर पे आपको ले जाएगा, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अगर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अपना नाम, नेम और ड्राइवर जरूर लिख के करना, क्योंकि फिर मुझे पूछना पड़ता है कि आप ड्राइवर की कर रहे हो या फिर कॉन्स्टेबल की। और ये हमारी मार्केट के अंदर बुक है, इसे आप परचेज कर सकते हैं, और ये हमारे ड्राइवर का स्पेशल बैच है केवल ड्राइवर के लिए, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जो पेपर है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।